बड़ी लंबी उम्र है तेरी, अभी तुझे याद करी थी कि तेरा फोन आ गया। क्या बात है, बड़ी चहक रही है तू। लगता है उस बड़े वाले घर में दिल लग गया तेरा। हाँ? मेरा दिल है जहां पे मर्जी लगे, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? कभी उस बेचारे मूसा की भी खबर ले लिया कर, क्या कयामत गुजर गई उसके ऊपर। तू तो बस अपनी में ही लगी रहती है हर वक्त। उससे क्या ही खबर लूं जो रोज खुद ही मुंह उठा के आ जाता है। कल आया था मोबाइल देने, बताया तो था तुझे। हाय, उस बेचारे ने क्या क्या ख्वाब सजाए थे ना तेरे अरमान पूरे करने के लिए, लेकिन उसकी तो किस्मत ही जल के राख हो गई। अच्छा अच्छा, अपनी बकवास बंद कर, सीधा सीधा बोल क्या हुआ। कहीं तेरे भाई ने उसकी टांगे बांगे तो नहीं तोड़ दी? कल रात मूसा की दुकान में आग लग गई थी, सब कुछ जल के खाक हो गया। क्या? हाँ, गई थी मैं देखने, सब कुछ अपनी आंखों से देख के आ रही हूँ, जल के खाक हो गया सब कुछ। रोही, तेरे भाई ने ही लगाई होगी वो आग। क्या भाई, अल्लाह, मेरा भाई ऐसा क्यों करेगा? बस कर दे, बस कर दे। तू भी बड़े अच्छे से जानती और मैं भी कि ये काम इरफान के अलावा कोई और कर नहीं सकता। मुझे क्या पता रूही, मैंने जो कुछ देखा वो तुझे साफ साफ बता दिया। बहुत अच्छा किया। अब जाकर ना मूसा की दिलजोई भी कर लेना, बहुत हमदर्दी हो रही है ना तुझे उससे। रूही, कितनी खुदगर्ज है ना तू ऐसे, मुझे तो जरा फिक्र नहीं है किसी की। तू ना ज्यादा सगीना बन उसकी, और ये सब कुछ तेरे भाई का किया धरा है। अगर कुछ कहना है तो अपने भाई को जाकर कह, मेरे मुंह ना लग। बढ़िया ही, पता नहीं क्यों उसको मुंह लगा लेती हूँ, है नहीं बस इस काबिल। और कोई सहेली भी तो नहीं है रूही की। तुझे जो लगा है ना वो इश्क का मर्ज है, वो भी लाइलाज। अगर अपनी खैर चाहता है ना तो ये इश्क-विश्क की चक्कर से दूर रह। ऐसे चक्करों में मारा गया ना तो तेरी माँ पूरी जिंदगी मुझे इल्जाम देती रहेगी। मेरा मर्ज लाइलाज नहीं है रोही, तुम हो मेरे मर्ज की दवा, तुम हो मेरा इलाज। मेरी मोहब्बत का दावा तो ऐसे करता है जैसे जिंदा ही मेरी वजह से है। देखा अपने अरमानों की लाश, दफना दी सारी उम्मीदें। क्या क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ये सब उस रूही की वजह से नहीं हुआ? क्यों खामोश हो मूसा, जवाब दो। मैं तुम्हें कितना समझाती हूं, कितना रोकती रही कि ना लो किसी से दुश्मनी, लेकिन लेकिन तुम्हें तो उस रूही के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। अब देखती हूँ ना मैं कि इस बुरे वक्त में वो तुम्हारा कितना साथ देती है। देख लेना मूसा, मैं बता रही हूँ तुम्हें कि तुम्हारा भरम ना टूटे ना तो मुझे कहना।
मूसा कहाँ जा रहा, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। मूसा मूसा मेरी बात सुनो, मूसा 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 मेरी बात सुनो, दरवाजा खोलो, मूसा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मूसा दरवाजा खोलो, मूसा औलाद का तो मैं नहीं समझ सकती, औलाद नहीं समझ सकती, तुम क्या समझते हो मूसा, तो मुझे दुकान का दुख है, नहीं नहीं, मुझे तो ये दुख है कि तुम्हें इतने दुखी हो, मैं तुम्हें कितना समझाती थी बेटा, कितना रोकती थी, इसीलिए कि तुम्हें ये बुरे दिन न देखने पड़े। बच्चे मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकती, यही मेरे पास है। मुराद से हेलो टू ज़ेफा। हेलो ज़ेफा, हाय, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अंकल। देखिए आपने मुराद अंकल को, अब जल्दी से जाकर सो जाए, हम वेट कर रहे हैं ना आपका। गुड नाइट। ओके गुड नाइट आनी। गुड नाइट। बहुत शरारती हो गया, दिन में चार चार बार फोन करता है। रियली? लेकिन उसकी आदतें भी तो आपने बिगाड़ी है ना, जब तक वो आपको दिन में चार बार कॉल ना करे आपको सुकून नहीं मिलता। ये बात भी है, मेरा दिल ही नहीं लगता उस रफा के बगैर। अच्छा अनीशा एक बात तो बताओ, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारा दिल मेरे साथ लग गया, मेरे अलावा तुम्हारा किसी के साथ दिल नहीं लगेगा। रात बहुत जला के आप, बहुत जला के। आखिर हस्बैंड किसका? अच्छा ये बताएं काम कब तक खत्म करेंगे? यार अभी तो काम बहुत रहता है, वक्त लग जाएगा। ठीक है मैं फिर रूम में जाती हूँ, जब काम खत्म कर लें तो आ जाएगा। हाँ जाओ, आई एम कमिंग।
लाके क्यों लेकर आई हो? मैंने तो तुमसे चाय नहीं मंगवाई थी। पता है, मगर कब से काम कर रहे थे ना, सोचा चाय की जरूरत होगी। अच्छा ठीक है, थैंक यू, अगर ले आई हो तो मैं पी लूंगा। लेकिन सुनो, आज के बाद सिर्फ वही काम किया करो जो मैं तुम्हें करने के लिए कहता हूँ। इसे बिला वजह मत वक्त जाया किया कर। लगता है आपको ना गरीबों के खलूस से चिढ़ है। ये चाय अगर निशा बीबी लेकर आई होती ना तो खुशी खुशी पी लेते। यार तुम बेवकूफ हो या जानबूझकर ऐसी बात करती हो? तुम्हारा और अनीशा का क्या कंपैरिजन है? अरे वो बीवी है मेरी, उसका जो दिल चाहे मेरे लिए कर सकती है। जो आपका कुछ नहीं लगता वो आपका एहसास भी नहीं कर सकता। मैं भी किसके साथ बहस करके बक जाया करो। सुनो मेरी बात सुनो, हुआ कब? तुम्हें ख्याल रखने का शौक है ना, तुम अनीशा का ख्याल रख लिया करो, मेरा नहीं प्लीज। हाँ उनका ना बहुत ख्याल रखती है रूही, और उनकी वजह से ही ना आपका ख्याल रखने की कोशिश करती है। लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगा ना, आइंदा नहीं करूंगी। एक तो काम करो, ऊपर से बातें सुनो। हाँ तो क्या बता रहा था तू? यही ते ताप तो ते मेरे आता तेज पतंद है। पितले तई तालो ते मेरे आता तेज पिते दिन ती तो वहां तरते हैं। तभी तो आज तक तेरी तरक्की नहीं हुई। ता मतलब? मतलब ये कि मालिक लोगों को काम करके दिखाओ, अपनी खूबी दिखाओ, उनको भी तो पता चले क्या क्या कर सकता है तू। और तू तू सिर्फ सफाई सुथराई और ये मिल्क शेक। बिल्कुल नहीं, तारे दाम जानता हूँ। ऑमलेट आप फ्राई प्लेन टोस्ट भी बना लेता हूँ। नाते था तारी धरू बब, वो तो बुआ बनाती थी इतने तभी जरूरत नहीं पड़ी। तो अब तो नहीं है ना बुआ, अब बना ले। और ऐसा ऑमलेट बना कि बीबी जेर साहब जी बाबा करे तेरी। अच्छा ठीक है, दे दे आऊं फिर वही फजूल बात। ये तू मुझे दे दे, ये मैं दे आती हूँ। इतना बड़ा काम का है तुझे, वो करना। ऑमलेट बना और अच्छी अच्छी चीजें ताकि वो लोग खा के वाह वाह करते रहे, वाह वाह। ऐसा बनाऊंगा तो आपने तभी ताया नहीं होता। रमजान, रमजान कहाँ रह गए भाई? वो काम कर रहा था तो मैं ले आई। ये किसने बनाया? बनाया तो उसी नहीं है, मगर लेकर मैं आ गई। अगर आपको बनाना पसंद नहीं है ना तो आप मुझे बता दें, मैं नहीं आऊंगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अम्मा की कमी महसूस ना होने दूं। दरअसल आप दोनों मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के काम करना। वैसे भी मैं नहीं चाहती आपको अम्मा की कमी महसूस हो। वैसे ना मेरी अम्मा के मुताबिक इस दुनिया की सबसे काम चोर लड़की हूँ मैं। ये शर्ट नहीं प्रेस हुई? ओहो, मैं इस्त्री करके ले आती। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है, रमजान करते थे। नहीं मैं अच्छी कर दूंगी, करके लाती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, उठ गई आप? अनीशा ये लड़की बहुत बातें करती है भाई, बहुत बोलती है। पर अच्छा बोलती है, बुरा नहीं। मैं फ्रेश हो जाती हूँ, फिर नाश्ता साथ में कर लेते हैं। हाँ प्लीज।
हाँ अम्मा। हाँ रूही, कैसी है? साहब जी और बीबी जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, यहाँ पर भी सब ठीक है। तेरी बेटी सबका बहुत ख्याल रख रही है। अरे वो मूसा को मैं कब से फोन मिला रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा मेरा। तेरी बात हुई क्या? अरे बोलना, चुप क्यों कर गई है? जवाब तो दे दे। हाँ बात हुई थी ना, परसों आया था। है? यहाँ आया था बंगले पे? हाँ हाल चाल पूछने आया था, देखने आया था सब ठीक ठाक है कि नहीं। अच्छा तेरी बात हो ना तो उससे कहना, मुझे फोन कर ले। अम्मा जिस काम के लिए गई है ना वो ढंग से कर ले, मूसा मूसा क्यों कर रही है? ए रोहित तू तो बड़ी बदलियाज लड़की है, अल्लाह ही हिदायत दे तुझे। बदजबान लड़की है ये मेरी कमबख्त। हिदायत नहीं अम्मा, रूही को तो साहब जी चाहिए। साहब जी रमजान, रमजान मेरी शर्ट आयरन करने के लिए दी थी, हो गई? जी हो गई है। हाँ तो कहाँ है, दो ना मुझे। बहुत अच्छी प्रेस की थी, बहुत अच्छी इस्त्री हुई थी, पर ना बस यहाँ से थोड़ी सी जल गई है। कसम ले ले ये मेरा कसूर नहीं है, अम्मा का कसूर है। अम्मा बातें करी जा रही थी, मैं तो कपड़े इस्तरी करी थी, बातों में लगा दी और ये हो गया। एक मिनट, तुम ये कह रही हो कि तुम्हारी अम्मा तुमसे भी ज्यादा बातें करती हैं? हाँ जी सच्ची। अरे यार लाओ मेरी शर्ट। रमजान, रमजान कहाँ रह गए यार? काम दिया था कोई ढंग से नहीं हुआ रूही, ये सब ना अम्मा की वजह से होता है, सारा काम हमेशा खराब कर देती है मेरा। अनिशा, तैमूर तुम यहाँ? गुड टू सी यू यार। सेम हियर, यहाँ क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही कुछ किताबें लेने आया था। बच्चों के लिए कुछ लेने आई हो? माशाल्लाह दो तीन बच्चे तो हो ही गए होंगे। नहीं मेरे कोई बच्चे नहीं है, मैं ये अपने सर्वेंट के बच्चे के लिए ले रही हूँ। बजी भाई याद है ना, उनका बेबी होने वाला है, वो अपना बेबी मुझे दे देंगे। अच्छा तो बेबी अडॉप्ट कर रहे हो, खैर ग्रेट। और क्या हो रहा है लाइफ में? लाइफ में कुछ नहीं, जब थोड़ा सा वक्त मिल जाता है पेंटिंग कर लेती हूँ। बुक रीडिंग की आदत अभी तक नहीं गई, वैसे तो मुराद से फुर्सत नहीं मिलती मुझे। वाह क्या बात है, हमारे कॉलेज की सबसे मूडी लड़की इतनी मैच्योर हो जाएगी पता नहीं था। वक्त मैच्योर कर ही देता है, आप खुद को देख लें, इतने सीरियस हो गए और क्लास में आपकी हंसी गूंजती थी आपके दोस्तों के साथ।
क्या वक्त याद दिलाते यार तुमने, वक्त कैसे गुजरता पता ही नहीं चलता। खैर कहीं बैठ के बात कर लें, कॉफी? ओके, बस दो मिनट तो मैं ये पैक करवा लूँ, फिर चलते हैं। आप ही सब बुक्स कर दीजिए। अब बताओ इतने ऐसे से कहाँ थे? बस तुम्हारी जब शादी हुई तो उसके बाद मेरा यहाँ दिल ही नहीं लग रहा था, तो कोमल को दादू के पास छोड़कर मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया था। तो ये नाकाम आशिक ऑस्ट्रेलिया में थे? हाँ नाकाम आशिक जरूर था, लेकिन आज एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ। तुम्हें पता हमारी कंपनी 17 कंट्रीज को देख रही है इस वक्त। Wow, that's amazing. मुझे बहुत खुशी है तुम। तुमने अपने गम को अपनी कमजोरी नहीं बनाया। हाँ वैसे मैं समझ गया था इसमें गलती मेरी है, अगर मैं अपनी मोहब्बत का इजहार तुमसे पहले कर देता तो शायद तुम मुराद की जगह मेरे साथ होती। लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स शेयर ही नहीं कर पाया। I'm very happy for you. मैं भी बहुत खुश हूँ। मुझे ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी कि रिश्ते नसीब से बनते हैं। अल्लाह ताला ने मेरे लिए भी कुछ और लिखा होगा। याद आया कोमल कहाँ है? शादी हुई उसकी? नहीं अभी तो स्टडी कंप्लीट हुई है, देख रही हैं दादा उसके लिए रिश्ते। अच्छा वैसे मैं भी अपने देवर के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ रही हूँ, कोमल की तस्वीरें मुझे भेजना। कहाँ है वो आजकल? आजकल तो दादू के साथ है लेकिन आ रही है कुछ दिनों में। अच्छा जब आए तो मुझे जरूर बताना, बल्कि ऐसा करना उन्हें घर लेकर आना। जरूर। और मुराद कैसे? कितना अच्छा जोड़ा है, बीवी जी से कह के मुझे दिलवा देना। देख पहन के जब मोहल्ले में निकलूंगी ना आंखें पथरा जाएंगी लोगों की। रूही इतनी बदनीयत अच्छी नहीं होती, अल्लाह पाक ने जो कुछ दिया ना उसी पर बस सबर शुक्र अदा करना चाहिए। अम्मा तेरी नजर में तो हर इंसान बदनीयत है, क्या हो जाएगा अगर एक जोड़ा मुझे दे देंगी तो? ये बीवी जी के लिए बहुत खास है, साहब जी ने शादी की सालगिरह पर तोहफे में दिया था, और बीबी जी ना इसे बहुत संभाल के रखती हैं। अच्छा मैं बीबी जी को देकर आती हूँ। We'll be right back.
बड़ा अफसोस हुआ तुम्हारी दुकान का सुनकर। हौसला रख बेटा, हर काम में भलाई होती है पुत्र। कैसी भलाई चाचा? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उस दुकान के साथ मैं भी जलकर आग हो गया। ना ना, मायूसी की बातें नहीं करते पुत्र, देखना तुम्हें जिंदगी इससे ज्यादा दे देगी। ये बातें सुनने और बताने में अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरा जितना नुकसान हो गया है ना, उसकी भरपाई मुमकिन नहीं। सालों की मेहनत थी चाचा मेरी, सब एक झटके में खत्म। पता नहीं, समझ में नहीं आता कैसे हो गया। बस चाचा, बदनसीबी है, बदबख्ती है, और क्या। भरोसा रख बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं तेरे लिए चाय। नहीं नहीं नहीं, आज जरूरत। ना ना बेटा, चाय पी, चाय छोटे, चाय लेके आए स्पेशल। हाँ शफीक, आई एम सो सॉरी यार, मैं वो फाइल ऑफिस ही भूल आया हूँ जल्दी में, वो प्लीज जरा खोल के देखना। हाँ, उस सदीक एंड सन्स वालों की फाइल है, उसमें से कुछ मुझे डॉक्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। मेरे ड्रॉअर में ही पड़ी है, जाकर खोलो तो सही, देखो। हाँ जी, मैं वेट कर। शफीक साहब, आप डॉक्यूमेंट्स निकालिए, मैं आपको कॉल बैक कर। आपकी चाय। ये ड्रेस तुमने क्यों पहना हुआ? अच्छा लग रहा है ना? अनीशा बीबी ने दिया था, इतने प्यार से दिया था कि फिर पहन ही लिया मैंने। वैसे तो ना हम गरीब त्योहारों पर ऐसे कपड़ों का सोचते ऐसे, लेकिन तब भी इतना अच्छा नहीं मिलता। आप बताएं, अच्छा लग रहा है ना? हेलो मुराद, सॉरी मुझे आने में। अरे बीबी जी, आप आ गई, आपके लिए भी चाय बना लाऊं? तुमने ये ड्रेस किससे पूछ कर पहना? आपने ही तो दिया था, वो जो कपड़े आपने पहनने के लिए दिए थे उन्हीं में था। तुम्हें ये ड्रेस मैं कैसे दे सकती हूँ? मैंने सुबह पहनने के लिए निकाला, ये उन्हीं कपड़ों में था। मैंने तुम्हें ये ड्रेस नहीं दी, और मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है कि मैं भूल जाऊंगी। कसम ले लें बीबी जी। शट अप एंड लिसन। तुम्हारे पास 2 मिनट है, जल्दी से जाकर ये कपड़े बदल कर आओ, फौरन जाओ, अभी जाओ। मैंने कहा जाओ। सब क्या है अनीशा, तुमने क्यों इसको इतना सर पे चढ़ाया? नो मुराद, ये मेरे कपड़े कैसे पहन सकती है? मुझे क्या पता, तुम्हीं ने इसको ये ड्रेस दिया होगा ना फिर, वरना उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो तुम्हारा ड्रेस पहनकर यूं खुलेआम फिरे। तुम देखकर भूल गई होगी। मुराद, आपकी कोई छोटी सी चीज भी मैं किसी से शेयर नहीं करती, ये आप जानते हैं ना। और ये ड्रेस तो आपने मुझे वेडिंग एनिवर्सरी पर दिया था, मैं उसे कैसे दे सकती हूँ? अच्छा ये भी तो हो सकता है ना, जो कपड़े तुमने उसको दिए थे उनमें मिक्स होकर चला गया हो, तुम्हें पता नहीं चला हो। मुराद, ये गलती कैसे कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, फिर तो ये बहुत गलत बात है, फिर तो तुम्हें उससे बहुत सख्ती से बात करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि आज के बाद ऐसी कोई हरकत ना करे, वरना बहुत बुरा होगा। आपके सामने सख्ती से तो बात की है, कैसे मुंह बना लिया उसने। अच्छा चलो, फूल छाना, रिलैक्स, बैठो यहाँ।
भाई उसकी वजह से अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? रात की कोई हरकत थी करने वाली? अच्छा बाबा डांट भी दिया उसको, बाद में भी समझा लेना, दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगी। से जाते वक्त वादा किया था कि आप लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन मैंने आप दोनों को नाराज कर दिया। लेकिन रूही ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। फिर भी मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कुछ भी जानबूझकर नहीं किया मैंने। It's okay, Ruhi. लेकिन आइंदा ख्याल रखना। And I'm sorry, मैंने भी थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर दिया। आइंदा प्लीज ख्याल रखना। क्या हुआ निमल, तो आज थकी थकी सी लग रही हो, खाना भी तुमने ठीक तरीके से नहीं खाया। बस वैसे ही थोड़ी सी वीकनेस हो रही है, दवा भी खा चुकी हूँ उसके बावजूद भी। तो फिर एक काम करते हैं कि 24 घंटे की मेड रख लेते हैं ताकि तुम्हें और आराम मिल सके। 24 घंटे की मेड? हाँ निमल, वरना दिन की मेड जाने के बाद तुम्हें सारा काम खुद करना पड़ता है। अब नहीं फजी, वैसे भी मुझे अपना सारा काम खुद करने की आदत है, और फिर बेबी तो आते ही अनीशा के पास चला जाएगा, फिर मैं क्या करूंगी? तो फिर ऐसा करते हैं कि अनीशा से कह दो कि वो कुछ दिन के लिए अपनी मेड से कह दे कि शाम को यहाँ आ जाया करे। वो नहीं भाई, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे सड़की से अच्छी वाइब्स नहीं आती। क्या हो गया तुम्हें नसीमा बुआ, तुम्हें लड़की भी लग रही है और बुरी भी। अरे नहीं नहीं, बुआ तो गांव गई हुई है, बुआ की बेटी आजकल अनीशा के साथ काम कर रही है, और उस लड़की पे मैं किसी भी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकती। तो फिर तुम खुद ही बताओ कि मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूं। जानती हूं ना कि मैं तुम्हारी परेशानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जानती हूं। अब वजी आप एक कुक हायर कर लेना, अब सिर्फ तब तक के लिए जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती, उसे पहले से बता दीजिएगा, जैसे ही मैं काम करने लगूंगी उसको भेज देंगे। चलो ठीक है, मैं फिर सुबह किसी से बात करता हूँ। चले अब आप भी सोने की करें, सुबह ऑफिस नहीं जाना क्या? तुम सो जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में सो जाता हूँ। ओके गुड नाइट। गुड नाइट।
हाँ नहीं नहीं वो बिजनेस डील ऐसी है कि जिसको बहुत कॉम्प्लिकेशंस का सामना है फिलहाल। उसके टैक्सेस वगैरह भी हमें देखने होंगे क्योंकि ये तो हमारा फर्ज है ना, टैक्स तो हर कंपनी को अदा करना चाहिए। अगर कोई कंपनी उसमें डिफॉल्ट करेगी तो हम उसके साथ डील नहीं कर सकते।